हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बिग बॉस 13 को शुरू हुए 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, ऐसे में जल्द ही इस शो का फिनाले भी होने वाला है। सलमान खान ने इस सीजन की शुरुआत में ही जानकारी दी थी कि इस बार फिनाले 4 हफ्ते में ही पूरा हो जाएगा। देखा जाए तो बिग बॉस का 4th हफ्ता शुरू हो चुका है और जैसा कहा गया था उस हिसाब से शो काफी फास्ट फॉरवर्ड जा रहा है। बीते दिन बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया था जिसमें शेफाली बग्गा को रिपोर्टर बनकर घर के 3 सदस्यों से कुछ सवाल करने थे। अब कोई टास्क बिना हंगामे के हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शेफाली बग्गा ने संस्कारी प्लेबॉय यानी कि पारस छाबरा से तीखे सवाल किए जिसका पारस ने भी बेबाकी से जवाब दिया और लड़कियों के बारे में आपत्तिजनक बातें कहीं, लेकिन पारस का बेबाकपन दर्शकों को पसंद नहीं आया। उन्होंने पारस को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि पारस ने मीडिया वालों का भी मजाक बनाया है। वहीं अब बीते सीजन के कंटेस्टेंट और टीवी एक्टर करणवीर बोहरा ने भी पारस के इस रवैये पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है, नॉट इम्प्रेस्ड विद पारस छाबरा फॉर डिमीनिंग द मीडिया इन बिग बॉस 13। मीडिया शुड शन हिम अवे कम्प्लीटली। ऑसम इंटरव्यू बाय शेफाली बग्गा। शी डिडंट केयर व्हाट द हाउसमेट्स वुड थिंक इन द हाउस। वहीं से पहले जैसा कि आपने देखा होगा, वीकेंड का वार पर जब कॉलर ऑफ द वीक ने पारस से उनके पीठ पीछे बोलने वाली आदत को लेकर कुछ सवाल किए थे, उस वक्त भी देखा गया था कि पारस काफी बौखलाए हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने उस कॉलर की इंसल्ट भी की थी, जिसे लेकर बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट भी भड़की हुई नजर आ रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, पारस गेट्स अ कॉल एंड गेट्स वेरी मैड अबाउट इट इवन दो द कॉलर इज सेइंग द ट्रुथ। एक फैन के लिए ऑन कैमरा ही इज सेइंग, शक्ल देख ले अपनी एंड अब्यूजिंग हिम, वाओ, डू पीपल स्टिल वांट अ वोट फॉर हिम। वेल, पारस के एटीट्यूड को देख ना सिर्फ फैंस बल्कि स्टार्स भी काफी भड़के हुए हैं। इस इंसिडेंट के बाद लोगों का मानना है कि पारस को शो से बाहर निकाल देना चाहिए। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।